दोनों हाथ जोड़ करके भोजराज कंस ने तलवार को उठाया, जवाब दिया देवकी तैयार हो जाओ मरने को, एक दो तीन बोलने को जा रहा, बसदेव ने तलवार को पकड़ लिया, ठहरो महाराज ठहरो, ये क्या कर रहे हो? कंस बोला हम अपनी बहन को मार रहे हैं। जवाब दिया ये तो हमें भी पता है बहन को मार रहे हो, लेकिन महाराज ये तुमने देवकी को मार दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कंस बोला देवकी को ना मारू तो मैं मर जाऊं, और मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मर गया तो मथुरा का राज्य कौन करेगा? वसुदेव बोले महाराज एक उपाय हम बता रहे हैं, क्या? देखिए आपका काल भी मर जाएगा और तुम्हारी बहन भी बच जाएगी, कैसे? वसुदेव बोले तुम्हें आकाशवाणी में हुआ है कि आठवा पुत्र तुम्हारा काल है, हम ये वादा करते हैं महाराज आठवा पुत्र देवकी का होगा, वही पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, चाहे गला घोट के मारना चाहे फांसी लगा के मारना। भोजराज कंस की खोपड़ी में बात आ गई, सोचने लगा ये ठीक रहेगा। कंस बोला बसदेव मुझे विश्वास कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो आठवां पुत्र के बदले में कोई और पुत्र पकड़ा दो और उसको बचा लो। कंस बोला विश्वास मुझे जब ही होगा जब तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे। कंस ने अपने बहन और बहनोई को जेल में डलवा दिया, हमारे बहन और बहनोई को जेल में डाल दो, और दोनों टाइम खान भोजन की व्यवस्था ठीक से रखना। इसलिए मेरे भैया आज जैसे ही भोजराज कंस ने ललकारा लगाया है और मंत्री से कहा है